हाजीपुर से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। वैशाली जिला के हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र में जढ़ुआ के पास HDFC बैंक में जो 1,19,00,000 जो लूट हुआ था। वैशाली SP के अध्यक्षता में 9 अपराधियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया, जिसके पास से 93,00,000 रुपया बरामद किया गया। हाजीपुर से बड़ी खबर है। पिछले दिनों HDFC बैंक लूट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 93,00,000 रुपया के साथ 9 लोग गिरफ्तार। वैशाली SP मनीष कुमार ने की पुष्टि। 11 जून को हाजीपुर HDFC बैंक से 1,19,00,000 रुपए की हुई थी लूट। HDFC लूट का 88,00,000 से ज्यादा और बाकी समस्तीपुर जिले से लूट की राशि हुई है बरामद। हाजीपुर टाउन थाना अंतर्गत जड़वा में HDFC बैंक में 1,19,00,000 रुपए की बैंक डकैती घटना साबित हुई थी। उस घटना का उद्भेदन किया गया है। घटना के उद्भेदन के साथ साथ समीपवर्ती जिले समस्तीपुर की भी अन्य घटनाओं एवं इसी गैंग ने मुजफ्फरपुर के मनियारी में भी अटैम्प्ट किया था, जिस संबंध में संबंधित कांड दर्ज हैं। सभी को जिले ने एक साथ हुआ है। गैंग ने अपनी संलिप्तता इन कांडों में स्वीकारी है। हमारे पास सबूत मिले हैं कि सेम गैंग सभी उन्हीं लोगों ने सारे क्राइम किए थे। जो जैसा बता रहा था कि जड़वा में लूट का केस दर्ज किया गया था। जब हम लोगों ने अपराध शैली का पता किया, मानवीय आसूचना एवं तकनीकी आसूचनाओं के बल पर हमने इस केस को ट्रैक किया। कुल मिलाकर के अभी 9 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से कि 2 ओम प्रकाश एवं अरमान, जो 5 लोग घटना में मुख्य रूप से शामिल हुए थे, एकदम सामने हमारी घटना में वैशाली जिला अंतर्गत घटना में उनकी भी अरेस्टिंग की गई है। इसके अतिरिक्त समस्तीपुर जिला अंतर्गत राजपुर में जो बैंक लूट हुई थी, विक्रम बांधे में लूट हुई थी मुफस्सिल थाना में, उसमें इनके इन दोनों के अलावा एक अपराधकर्मी जो राजीव था उसकी भी अरेस्टिंग की गई है। और कुल मिलाकर के 93,19,500 रुपया बरामद हुआ है लूट में से, जिसमें से वैशाली जिला HDFC बैंक का 88,66,000 है और जो अन्य रुपया है वो समस्तीपुर जिला के 2 बैंक लूट का है। मुजफ्फरपुर में समय रहते सजगता के कारण घटना नहीं हो पाई थी, इसलिए उसमें लूट नहीं हुई थी। ये पूरा ऑपरेशन वैशाली जिला पुलिस, समस्तीपुर जिला पुलिस, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस एवं SDF के टीम्स ने साथ मिलकर किया है एवं कोऑर्डिनेशन की वजह से हम लोगों को ये सफलताएँ मिली हैं। गिरफ्तार अपराधकर्मियों का पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास हमारे पास मौजूद है। जो लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं उनकी पूरी जानकारी है। अरेस्ट किए हुए में जैसे मैंने बताया मुख्य अभियुक्त हैं एवं उसके साथ साथ उनको प्रायश्चित देने वाले, उनके साथ पैसा छुपाने वाले और जो जहाँ जहाँ से बरामदगी हुई है अन्य अलग अलग जिलों में जो उनको पैसों को छुपा रखे थे, उन लोगों को पकड़ा गया है। घटना में हमने जो बैग प्रयुक्त किया गया था भागने में उसको पकड़ा है, मोटरसाइकिल को पकड़ा है एवं जिन कपड़ों को पहन करके ये घटना कार्य की गई थी उनको भी जब्त किया गया है, जिसका अब हम वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे। कुछ लोगों की अरेस्टिंग बाकी है, जिनके लिए सारी विशेष टीम एकजुट होकर के कार्रवाई कर रही है। शीघ्र उन्हें भी पकड़ा जाएगा। तो लूटी की राशि में से 93,00,000 रुपये की राशि बरामद हो चुकी है। धन्यवाद। इसका मास्टरमाइंड कौन था सर? ये ग्रुप थे, इसमें से कुछ लोग पहले जेल में साथ में थे, वहाँ से जब वो बाहर निकले अपना जब उन्हें गिर मिली तो उन्होंने इसके प्लानिंग की। कुल मिलाकर 6 लोग थे। हमारे वाली घटना में 5 लोग छिड़े थे, अन्य घटना में अन्य 5 लोग, कुल मिलाकर 6 लोग थे। उन 6 में से 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनको प्रायश्चित देने वाले, उनका अलग बाहर से सपोर्ट करने वाले लोगों को भी पकड़ा गया है। कुछ आपस में ही लोग करते थे, जैसे कि ये इनकी चौथी घटना थी। इसके अलावा ये महुआ थाना अंतर्गत एवं मुजफ्फरपुर जिला में दुबहा जगह अंतर्गत भी ये लोग रह करने का प्लान किए थे, जो घटनाएं नहीं हुई। कैसे ये गैंग बनाने का, किसने इनिशिएटिव किया, कितने लोग थे? अरमान और ओम प्रकाश जो थे।